हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन में उसने सभी स्कूलों से लिस्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी सबमिट करने के लिए कह दिया, यानी एक समय सीमा दी। उस समय सीमा के अंदर जो भी क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो सूची है वो सीबीएसई के जो ई परीक्षा पोर्टल है सभी स्कूलों को समय सीमा के अंदर सबमिट करनी है। और इसकी जो डेडलाइन है सीबीएसई ने फीस सबमिट करने के लिए वो है क्लास टेंथ का जो है वो 17 सितंबर यानी आज से लेकर 30 सितंबर तक, और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो है समय सीमा दी है। और इस सही समय सीमा के अंदर सभी स्कूलों को अपने सभी विद्यार्थियों की सूची जो है उस ई परीक्षा पोर्टल पर सबमिट करनी है। इस नोटिफिकेशन में तीन बहुत ही बड़ी बातें हैं दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए और ये सभी स्कूलों को भी इसे माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले इस सीबीएसई ने कहा कि इस नोटिफिकेशन को जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो बकायदा पढ़ें और जो इस नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी गई है वो सारी डिटेल जो फुलफिल होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोताही जो है सूची में ना हो। मसलन जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत से जो स्कूल थे जो सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं थे वो किसी दूसरे स्कूल से जो सीबीएसई से एफिलेटेड थे उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर नाम दे दिया, उन बच्चों को वहाँ पर भेज दिया और ऐसे बहुत से गड़बड़ी हुई, ऐसे बहुत से जो है क्या कह सकते हैं कि स्कैम हुआ था इस बार रिजल्ट में। तो इस बार सीबीएसई ऐसे किसी भी कोताही को बरतने वाली नहीं है और ऐसे किसी भी कोताही को माफ नहीं करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रिंसिपल खुद चेक करे लिस्ट के कैंडिडेट्स और जो कैंडिडेट की लिस्ट खुद चेक करेंगे और उसे चेक करने के बाद ही अपलोड करें। और कैसे अपलोड करना है, इमेज कैसी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए, सारा कुछ सीबीएसई ने वहाँ पर बता दिया नोटिफिकेशन में और साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ दोस्तों। जैसे कि सीबीएसई ने सीधा सीधा स्कूल से कहा है कि स्कूल शुड स्पॉन्सर ओनली देयर ओन कैंडिडेट्स, यानी स्कूल किसी दूसरे विद्यालय के छात्रों को स्पॉन्सर नहीं करेंगे या जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं या जो फेक विद्यार्थी होते हैं जो किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं लेते बट फेक मार्कशीट बनवा लेते हैं, ऐसे किसी भी कैंडिडेट्स का जो है एलओसी सीबीएसई के स्कूल भेजेंगे नहीं। यहाँ पे साफ साफ सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है और साथ साथ ये भी लिखा है कि यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड अनएफिलेटेड स्कूल्स, तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो अनऑथराइज्ड स्कूल से पढ़ रहा हो जो सीबीएसई से एफिलेटेड ना हो, तो ये प्रिंसिपल को बाकायदा ध्यान में रखना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार सीबीएसई ने इस नोटिफिकेशन में सीधा क्लियर कट कर दिया है। साथ साथ दोस्तों सीबीएसई ने इसमें फीस के लिए भी बता दिया कि आपको फीस कितनी सबमिट करनी, क्योंकि पिछले कई बार जो है विद्यार्थी जो है स्कूल्स पर आरोप लगाते हैं कि टीचर उनसे ज़्यादा फीस लेते हैं और इसलिए इस बार सीबीएसई ने पूरी फीस की स्लिप भी बता दी कि क्या किसको कितना फीस देना है। जैसे सीबीएसई ने क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए 1500 रुपये रखा हुआ है और यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो लेंगे, तो दोस्तों इसमें सीबीएसई ने क्लास टेंथ के जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर जो है 1500 रुपये फीस रखी है और 1500 अगर बात करें तो 5 सब्जेक्ट के लिए रखा गया और उसमें अगर कोई विद्यार्थी एडिशनल सब्जेक्ट लेता है तो उसके लिए 300 रुपये एक्स्ट्रा, यानी टोटल 1800 रुपये फीस पे करनी होगी विद्यार्थियों को। तो ये यहाँ पर सीबीएसई ने बकायदा मेंशन करवा दिया अपने नोटिफिकेशन में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर माइग्रेशन की जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो फीस 350 रुपये रखी गई है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक इसी तरह क्लास ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सीबीएसई ने 1500 रुपये फीस और 300 रुपये जो है एडिशनल सब्जेक्ट फीस रखी है। प्रैक्टिकल फीस जो है दोस्तों वो दोनों क्लास टेन और क्लास ट्वेल्थ के लिए 150 रुपये है और एसटी एससी के लिए जो है 1200 रुपये, यानी 300 छूट सीबीएसई ने रखी है। तो ये बाकायदा सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सीबीएसई ने अपलोडिंग जो फोटोग्राफ यानी जो भी विद्यार्थी अपना फोटो स्कूल को सबमिट करेगा तो याद रखना फोटो जो है रिसेंट होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर खींची हुई होनी चाहिए, 6 महीने ज़्यादा यानी पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा सीबीएसई ने फोटो मस्ट बी टेकन इन द लास्ट 6 मंथ्स, हेड शुड बी पोजिशन डायरेक्टली फेसिंग कैमरा। ठीक है, तो जो हमारा फेस है वो जो हमारा सर है वो सीधा सामने कैमरे के होना चाहिए। तो ऐसे अच्छी सी फोटो जो है कुल मिलाकर देखी जाए तो एक अच्छी फोटो आपको सबमिट करनी है अपने स्कूल को, ठीक है, ताकि वो आप सभी के फोटो सही से आ सके। इसके अलावा सिग्नेचर भी आपके होने चाहिए, यानी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर स्कूल वाले आप सभी को बता देंगे। तो ये अब मान कर चलना है कि एग्ज़ाम होंगे और टर्म 1 टर्म 2 को लेकर सीबीएसई ने बाकायदा पहले नोटिस जारी कर दिया कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे या किस आधार पर होंगे, टर्म 1 का कितना वेटेज रहेगा, 2 का कितना वेटेज रहेगा और अगर कोरोना होता तो किस आधार पर वेटेज बदले जाएंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा उसमें आप सभी को बता दूंगा। तो ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। और तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों।
ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।